हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास डीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पी बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच हैज़ इथेन एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीजस सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ, तो ये किसका ओर है, कॉपर का। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन के सी यू सी ओ फोर इज, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेटस में क्या रहेगा, -1। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन इन्वॉल्व, तो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन क्या इन्वॉल्व करता है, फ्री रेडिकल्स को इन्वॉल्व करता है। मिथाइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग, ये कैसे हमारे पास ऑब्टेन होता है, जब हम उसको रिएक्ट करते हैं फिनोलेट आयन एंड मिथाइल आयोडाइड के साथ। एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, सो एस्कॉर्बिक एसिड को हम और क्या बोलते हैं, विटामिन सी बोलते हैं। द काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन एटम इन XeF6 मॉलिक्यूल इज, सो कौन से काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जीनोन की इस कंपाउंड के अंदर, SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन है। द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ XeF4 ऑक्यूपाई, दो लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो हमारे पास ये XeF4 दिया गया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या ऑक्यूपाई करता है, इट ऑक्यूपाई टू एक्सियल ट्रांसपोजिशंस ऑफ स्क्वेयर प्लेनर। द नोबल गैस विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल इज़, तो ऐसी कौन सी नोबल गैस है जो एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती है एक्टिवेटेड चारकोल कोकोनट के द्वारा, वह है हीलियम। द कंपाउंड ऑफ जीनोन विच हैव हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन आर नोन एज, सो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, परजेनेट्स। क्लैथरेट, ये क्वेश्चन नन ऑफ दी इसकी ऑप्शन थी, ठीक है, तो हमने ये नहीं किया है। नेक्स्ट है, द नोबल गैस विच कैन डिफ्यूज थ्रू ग्लास मोस्ट ईजिली इज, तो कौन सी गैस है जो मोस्ट ईजिली आपके पास डिफ्यूज़ कर जाती है ग्लास के साथ, वो है हीलियम। ओके, नोबल गैस कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच शो, तो ये क्या शो करता है, लो केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी को ये शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेज इज़ गिवन टू अस्थमा पेशेंट, तो अस्थमा पेशेंट के लिए कौन सी गैसेज का मिक्सचर दिया जाता है, हीलियम एंड ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर। द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन जीनोन एटम ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल्स, तो कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है इस कंपाउंड के अंदर, वापस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द शेप ऑफ XeOF4 मॉलिक्यूल इज, तो इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, स्क्वेयर पिरामिडल। एलिमेंट ऑफ 18th ग्रुप आर नोन एज नोबल गैसेज बिकॉज, तो 18th ग्रुप एलिमेंट को हम नोबल गैसेज क्यों कहते हैं, क्योंकि दे टेंड टू बी अनरिएक्टिव। आर्गन ऑरिजिनेट इन द एयर ऑफ मोस्टली फ्रॉम, तो आर्गन ऑरिजिनेट होता है एयर में मोस्टली किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय के एंड बीटा पॉजिटिव डीके ऑफ पोटाशियम। चीफर सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का चीफर सोर्स क्या है, नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। ओके, द नोबल गैस हुज आयनाइजेशन पोटेंशियल इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, तो ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्लोज रहता है जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है, तो वो कौन सी गैस है, जीनोन, ठीक है। उसके बाद है, द रेशियो CP ओवर CV फॉर नोबल गैसेज इज अबाउट, तो इन दोनों के बीच की रेशो क्या होगी, 1.667। द नोबल गैस विच फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड इज, सो इसका आंसर भी रहेगा जीनोन। जीनोन आपके पास एक ऐसी नोबल गैस है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड बनाने की क्षमता रखती है। द एनवायरनमेंट इन विच अ सिस्टम इज स्टडीड, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। डैश इज स्टडी अबाउट एनर्जी ऑफ अ केमिकल सिस्टम, तो थर्मोकेमिस्ट्री आपकी स्टडी है एनर्जी ऑफ अ केमिकल सिस्टम की। हीट ऑफ यूनिट ऑफ हीट इन SI यूनिट सिस्टम, तो यूनिट ऑफ हीट इन SI सिस्टम है जो टू फंडामेंटल वेज टू ट्रांसफ़र एनर्जी आर, तो ऐसे कौन से फंडामेंटल वे है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो है हीट एंड वर्क। मोस्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक पैरामीटर्स आर, तो थर्मोडाइनमिक पैरामीटर कौन सा, स्टेट फंक्शंस होते हैं। इन आ
गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में आपके पास जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस। मोल्टन NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास प्रेजेंस होती है फ्री आयंस की। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल।